यार हमारे में अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। आई एम योर मैथ्स टीचर ऑफ क्लास सिक्स फ्रॉम ऑक्सफोर्ड इस्लामिक साइंटिफिक स्कूल एंड इट इज़ योर मैथ्स पीरियड। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेक्चर नंबर 28 एज वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर वन ऑफ एक्सरसाइज 4.5। नाउ मूव टूवर्ड क्वेश्चन नंबर टू ऑफ एक्सरसाइज 4.5। क्वेश्चन नंबर टू है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग। हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। पार्ट नंबर वन है हमारे पास 3 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 4 इजिकल टू 3 की पावर एक्स। पहले जो हमारी बेस सेम है लेफ्ट साइड पे, हम उसकी बेसिस सेम को फाइंड करते हुए एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। हमारे पास बेस सेम है तो हम पावर्स क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 3 की पावर 6 + 4 हो जाएगी, तो हमारे पास यहाँ पर 3 की पावर क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी लेफ्ट साइड पे। तो दूसरे हमारे पास 3 की पावर क्या है, एक्स है। तो यहाँ पे एक तरफ 3 की पावर हमारे पास क्या रह गई, 10 आ गई, और दूसरी तरफ 3 की पावर क्या है, एक्स है। तो जो लेफ्ट साइड पे हमारा एक्सपोनेंट होगा वो हमारी क्या होगी, एक्स की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 10 हो जाएगी, क्योंकि बेस तो हमारी सेम है 3 3। और जहाँ जिस तरफ एक्स है वो लिख देंगे, और इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, 3 की पावर 10 जो है वो क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स की वैल्यू। पार्ट नंबर थ्री में हमारे पास क्या है, 4/7 की पावर 3, और ब्रैकेट के बाहर क्या है हमारे पास, एक्स है। दूसरी तरफ इक्वल्स टू 4/7 की पावर 9। अब हम क्या करेंगे, पावर लॉ अप्लाई करके पावर से पावर को मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट साइड पे। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स, तो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तो 4/7 की पावर क्या हो जाएगी, 3x इक्वल्स टू 4/7 की पावर 9। अब दोनों साइड पे जो बेसिस है हमारी, उसकी हम पावर्स को लिख देंगे। मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास पावर क्या है, 3x को उतारेंगे, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड पे क्या है, 9 उसको उतार देंगे। अब हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे। 3 जो है वो एक्स से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल को उस तरफ जाएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो एक्स इजिकल्स टू 9/3 हो जाएगा। इसको कट करेंगे, 3 1 3 3 3 9, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। अब इस तरह से हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, 1/5 की पावर x मल्टीप्लाई बाय 1/5 की पावर 5 इक्वल्स टू 1/5 की पावर 10। सॉल्यूशन करेंगे, अब है 1/5 की पावर x मल्टीप्लाई 1/5 की पावर 5। अब यहाँ पे हमारे पास बेस सेम है, तो हम क्या करेंगे, पावर्स को हम लोग ऐड कर देते हैं। तो हम लिखते हैं 1/5x + 5 इक्वल्स टू 1/5 की पावर 10 लिख देंगे। अब हमारी बेसिस क्या है, दोनों तरफ सेम है, तो हम जो उनकी पावर्स हैं उसको नीचे उतार लेंगे। x + 5 इक्वल्स टू दूसरी साइड की 10, x + 5 इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ पे आ गया 10। अब हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो x के साथ जो प्लस का 5 है उधर उसे हम दूसरी साइड पर शिफ्ट कर देंगे। अब x प्लस का 5 है यहाँ पर, जब शिफ्ट होगा तो वो माइनस हो जाएगा। एक्स इक्वल्स टू 10 - 5 कर देंगे, 5 को यहाँ से हम 10 के साथ शिफ्ट कर देंगे, तो यहाँ पे प्लस का शिफ्ट होकर क्या हो जाएगा, माइनस। अब क्योंकि एक्स इक्वल्स टू 10 - 5, 10 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 5। ये आप लोगों का होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 2 4 पार्ट्स है इसके, डुअल पार्ट्स इन द रजिस्टर। जो पार्ट्स आपको लेक्चर में समझाए गए हैं, आपने उसे मैथ्स के रजिस्टर में फेयर करना है, और उसकी प्रैक्टिस अपने यहाँ पर लाजमी करनी है। होप यू अंडरस्टैंड द लेक्चर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।